हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा बैंगन। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो आइए अब हम देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी। सबसे पहले हम ले लेंगे आधा किलो छोटी साइज के बैंगन, 3 कद्दूकस किए हुए प्याज, 1 कटा हुआ टमाटर, आधा कटोरी मूंगफली दाने का पाउडर, 1 कटी हुई हरी मिर्च, 2 चम्मच अदरक लहसुन का दरदरा पेस्ट, आधा चम्मच गरम मसाला हींग, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, स्वादानुसार नमक और तेल। तो सबसे पहले हम टमाटर और मिर्ची को पीस लेते हैं। तो उसके लिए हम मिक्सिंग जार ले लेंगे। इसमें हम डाल देंगे 1 कटी हुई हरी मिर्च और 1 कटा हुआ टमाटर। अब इसका हम दरदरा पेस्ट बना लेंगे। तो मैंने इसका दरदरा पेस्ट बना लिया है। अब हम बैंगन का मसाला रेडी करेंगे। तो उसके लिए हम एक पैन ले लेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख देते हैं। इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच तेल और तेल को अच्छा गर्म होने देंगे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसे थोड़ा सा सौते कर लेंगे। ध्यान रहे हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हल्का सा हम इसे पकाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे मूंगफली दाने का पाउडर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक पका लेंगे। तो अब 2 मिनट हो चुके, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कद्दूकस किए हुए प्याज और इसे हिलाते हुए हम 2 मिनट तक पका लेंगे ताकि जो प्याज है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए। अब जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया उसे हम डाल देंगे और इसे मिलाते हुए 2 मिनट और पका लेंगे। तो ये थोड़ा पक चुका है, तो इसमें हम एक एक करके मसाला ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, गरम मसाला। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर हम गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। अब इसमें हम आधा कप पानी डाल देंगे और इसे 2 मिनट और पका लेंगे। अब हम गैस को मीडियम फ्लेम पर कर देंगे और मसाले को पका लेंगे। तो मसाला अच्छे से पक चुका है और ये किनारों से तेल भी छोड़ने लगा है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। जब तक हमारा मसाला ठंडा हो रहा है तब तक हम बैंगन को कट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम बैंगन को लेंगे और इस तरह से 2 कट्स बना लेंगे बैंगन पर। इसे हमें पूरा नहीं काटना है, बस 2 कट्स लगाने हैं। इसी तरह से हम बाकी बैंगन पे भी कट्स लगा लेंगे। तो मैंने सारे बैंगन पर कट्स लगाकर रेडी कर लिया है और हमारा मसाला भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब हम एक बैंगन को लेंगे और इसमें मसाले को इस तरह से फिल करेंगे जहाँ पे हमने कट्स लगाए हैं। इसे हम हल्का सा खोलेंगे और मसाले को अंदर फिल कर देंगे। तो इसी तरह से हम बाकी बैंगन को भी फिल कर लेंगे। तो हमने सारे बैंगन को फिल करके रेडी कर लिया है और इतना मसाला हमारा बच गया है जिसे हम सब्जी में यूज़ करेंगे। अब हम सब्जी को पकाने के लिए एक पैन को मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख देते हैं। इसमें हम डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच तेल और इसे गर्म होने देंगे। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसमें हम डाल देंगे हींग, आधा चम्मच जीरा, राई। तो जीरा और राई भुन चुके हैं, तो इसमें हम एक एक करके बैंगन को डालते जाएंगे और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। गैस को हम मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे। और जो हमारा मसाला बच गया था उसे हम इसमें डाल देंगे।
और मिला लेंगे। अभी से ही बैंगन कितने लाजवाब लग रहे हैं और इसकी खुशबू भी बहुत शानदार आ रही है। तो बैंगन में मसाला अच्छे से मिल चुका है, तो अब हम ढक्कन लगा के इसे 5 मिनट तक पका लेंगे। तो अब 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम ढक्कन हटा के देख लेते हैं। तो देखिए हमारे बैंगन बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं और इसमें से बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। इसी तरह की नई वीडियोस के अपडेट के लिए आप हमें इस आईडी पर इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे टेस्टी से भरमा बैंगन बिल्कुल रेडी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सिस्टर्स रेसिपी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।